पिछले एपिसोड में हमने देखा था थॉर अकेले अपने एस्गार्ड में अपने दोस्तों को मिस कर रहा होता है और फिर उसे डोनाल्ड ब्लेक की वो आवाज सुनाई देने लगती है जिसमें डॉक्टर ब्लेक ने थॉर से बोला था कि गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए थॉर को उन्हें बस ढूंढना होगा और इसी खोज में उसे हाइमडाल मिलता है। और अब एस्गार्ड पर थॉर अकेला नहीं था क्योंकि वहां पर थॉर और उसका दोस्त हाइमडाल वापस आ चुके थे। अब आगे हमारी आज की कहानी शुरू होती है उस होटल से जहां पर डॉक्टर ब्लेक आकर रुके हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं तो उनसे मिलने के लिए एक दूसरा डॉक्टर आया होता है। वो डॉक्टर ब्लेक से उसके कुछ लोगों की मदद करने के लिए बोलता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर को हर उस जगह पर होना चाहिए जहाँ पर उनकी जरूरत है, जिसपे ब्लेक उस डॉक्टर की बात मान जाता है और उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर वो दोनों लोग अफ्रीका के एक छोटी सी जगह पर पहुँचते हैं क्योंकि उन्हें यहीं पर लोगों की मदद करनी थी। यहाँ पर दो अफ्रीकन ट्राइब्स आपस में पिछले 2 साल से एक दूसरे पर अटैक करने में लगी हुई हैं, जिसमें नुकसान मासूम लोगों को हो रहा था। इस वॉर में कई बच्चे घायल हो गए, लोगों ने जीने के लिए घर छोड़ दिए थे, कुछ बेसहारा हो गए और अब इनको देखने वाला कोई नहीं था। ये लोग इतने गरीब थे कि ये अपना इलाज भी नहीं करवा सकते थे, इसीलिए उस डॉक्टर ने खुद की ही अपनी एक टीम बनाई और इन लोगों का इलाज करने के लिए अपने ही जैसे डॉक्टर को जोड़ने लगा। डॉक्टर ब्लेक भी इन लोगों को इस हालत में देखकर हैरान था और वह भी अपने काम में मन से लग गया। अपना काम करने के बाद डॉक्टर ब्लेक एक पेड़ के नीचे थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन तभी वहां पर वो डॉक्टर आता है जो ब्लेक को अपने साथ यहाँ पर लेकर आया था। वह ब्लेक से उसके पहले दिन के काम के बारे में पूछता है, जिसपे ब्लेक बताता है आज का दिन तो काफी थका देने वाला था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस जगह पर इस देश की गवर्नमेंट या यूएन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। तब वो डॉक्टर कहता है, गवर्नमेंट तो बस दिखावे की होती है। कुछ लोग तो ये बात कह रहे हैं कि इन लोगों को सर्वाइव करने के लिए इन्हें गन्स प्रोवाइड करा दी जाए, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इस तरह से ये चीजें और भी बढ़ती जाएंगी। तो ब्लेक पूछता है, फिर आपकी तरफ से इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। जिसपे वो डॉक्टर ब्लेक को अपने साथ चलने के लिए कहता है और रास्ते में उसे बताता है कि मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन होगा कंपैशन, अच्छी नियत और फायदे से ऊपर उठ के लोगों के लिए काम करना। तुम इन 3 लोगों से मिलो, ये अलग अलग देश से यहाँ पर आए हुए डॉक्टर्स हैं और ये यहाँ पर किसी फायदे के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इनका मोटिव बस लोगों की मदद करना है। और यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं उससे मुझे तो यही लगता है कि इन लोगों की मदद सिर्फ कोई गॉड कर सकता है, बाकी कोई नहीं। अब जब ये लोग अपनी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जंगल से कोई लड़की भागते हुए उनकी तरफ मदद मांगने के लिए आ रही होती है। इस वजह से वो सभी डॉक्टर्स उस लड़की की ओर भागते हैं, लेकिन ब्लेक उन्हें उस लड़की के पास जाने से रोकता है क्योंकि उसे वहां पर कुछ गड़बड़ नजर आती है, क्योंकि इतनी गर्मी में वो लड़की एक कोट पहनी थी और इसका मतलब यही था कि वो लड़की अपने कोट में कुछ छुपाए हुई थी। और जैसे ही वो डॉक्टर उस लड़की के पास पहुंचते हैं कि बूम, वो लड़की वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि उस लड़की के कोट में एक्सप्लोजन्स पहले से ही लगे थे और उस धमाके की वजह से वह डॉक्टर वहीं पर मर जाता है और ब्लेक वहां से दूर जाकर गिरता है। फिर तभी वहां पर टेररिस्ट आ जाते हैं और वो वहां के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ब्लेक ये सब देखकर सोच रहा होता है, अच्छा काम करने वालों को ऐसे ही बुरे इंसान बस अपने मकसद के लिए मार डालते हैं। लेकिन तभी वहां पर वो 3 डॉक्टर्स आते हैं और वो बहादुरी से उन टेररिस्ट के गन छीनकर उनका सामना करने लगते हैं, क्योंकि बुराई कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, कोई ना कोई उस बुराई को खत्म करने के लिए आगे आता ही है। और जब तक ऐसे ही अच्छे लोग दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे तब तक ये दुनिया किसी भी तरह से सेफ रहेगी। पर ब्लेक ये बात जानता था कि वो 3 लोग ज्यादा देर तक इन टेररिस्ट का सामना नहीं कर पाएंगे और इसीलिए वो अपनी छड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही ब्लेक की उंगलियां उसकी छड़ी से छूती हैं कि एक थंडर स्ट्राइक और फिर ब्लेक थॉर में बदल जाता है। और अब इस सिचुएशन को संभालने के लिए वहां पर थॉर आ चुका था। वो नासमझ टेररिस्ट थॉर पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे थॉर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर वो लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन अब बारी गॉड ऑफ थंडर की थी। और फिर थॉर का म्यूनिर हवा में उन लोगों की तरफ जाता है, जिससे वो सब लोग दूर जाकर गिरते हैं और कुछ टेररिस्ट अपनी जान बचाकर वहां से वापिस भाग जाते हैं।
उन लोगों को ठिकाने लगाने के बाद थॉर उन तीन डॉक्टर की तरफ बढ़ता है और पूछता है, तुम तीन लोग एक ही समय पर अलग अलग देश से एक साथ इकट्ठा हुए हो? तो वो तीन लोग कहते हैं, हाँ ये बस एक इत्तेफाक था। जिसपे थॉर कहता है, मैं पहले ये बात मान भी लेता, लेकिन ये बस एक इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि मैं इस टाइम जानता हूँ कि ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, और अब तुम लोग बिल्कुल भी मत हिलना। और इतना कहते हुए थॉर म्यूनियर को घुमाने लगता है और तभी एक थंडर स्ट्राइक वहां पर आकर गिरती है। और फिर हम देखते हैं वॉरियर्स 3 को, जो उन डॉक्टर्स की बॉडी में फंसे हुए थे। थॉर एक बार फिर से अपने दोस्तों से मिलकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक बुढ़ा आदमी आता है। वो थॉर से कहता है, तुमने आज तो हमें बचा लिया, लेकिन वो लोग फिर से आएंगे और इस बार वो दुगनी ताकत से आएंगे, और तब हमें बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा। जिसपे थॉर अपना म्यूनिर उस जगह पर इतनी जोर से हिट करता है कि वह जमीन दो हिस्सों में बट जाती है। थॉर उनसे कहता है, लो अब वो लोग यहाँ पर वापस से नहीं आ पाएंगे। जिसके बाद थॉर वहां से वॉरियर्स 3 को लेकर एस्गार्ड पर आ जाता है। और यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हाइमडाल वहां पर आता है और कहता है, लॉर्ड थॉर आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन आप काफी धीमे धीमे काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये करने के लिए थोड़ा तेजी से काम करना चाहिए? तब थॉर कहता है, हाँ मुझे भी ये लगता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हें बाकी के एस्गार्डियन नजर आ रहे हैं? तो हेमडाल कहता है, हाँ मैं उन्हें देख सकता हूँ। फिर थॉर कहता है, लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो हेमडाल, क्या तुम्हें सिर्फ कहीं पर मिली? जिसपे हेमडाल जवाब देता है, मैंने सभी 9 रियासतों में लेडी सिफ को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं पर नहीं मिल रही हैं। लेकिन इतने दिनों में मैंने कुछ लोगों को ढूंढा है जिसमें हो सकता है कि वो लोग एस्गार्डियंस हों, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही वो सब लोग मेरी नजरों से ओझल हो गए हैं और यही मेरी चिंता का कारण है। जिसपे थॉर पूछता है कि क्या वो लोग मर गए? हेमडाल कहता है, पता नहीं, वो बस एकदम से मेरी नजरों से गायब हो गए। तो थॉर कहता है, हेमडाल तुम मुझे उस जगह की लोकेशन के बारे में बताओ, बाकी मैं खुद वहां पर जाकर देख लूंगा। अगर हमारे पास एक चांस है तो उसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। जिसपे हेमडाल थॉर को उस जगह का पता बताता है और फिर पता चलते ही थॉर म्यूनियर को घुमाते हुए वहां से उड़ जाता है, नेवाडा न्यू मैक्सिको। थॉर अब उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर उन सभी लोगों को आखिरी बार हेमडाल ने देखा था। फिर थॉर एक पत्थर हटाकर अंदर की ओर जाने लगता है। ये जगह किसी सीक्रेट बंकर की तरह लग रही होती है। थॉर उस जगह में जैसे ही अंदर जाता है उसे वहां पर बहुत से लोग बंदी नजर आते हैं। वो सभी लोग थॉर को वहां पर देख के थॉर से मदद मांगने लगते हैं। थॉर को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक साथ इतने लोगों को यहां पर किसने कैद कर रखा था। फिर थॉर उन सभी से कहता है कि वो लोग अब सेफ हैं, बस वो लोग गेट से थोड़ा दूर रहें। लेकिन तभी थॉर को किसी के जोर जोर से आने की आवाज आने लगती है। थॉर अपना म्यूनिट निकाल कर बोलता है, यू मॉन्स्टर मेरे सामने आओ और मुझे बताओ कि तुमने इन इनोसेंट लोगों को यहाँ पर क्यों कैद करके रखा है? अपनी शक्ल दिखाओ और गॉड ऑफ थंडर का सामना करो। और फिर तभी थॉर के सामने वो आता है जिसे देखकर थॉर शॉक रह जाता है और कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। क्योंकि थॉर के सामने कोई और नहीं बल्कि एस्गार्ड का सबसे पावरफुल वेपन यानी कि द डिस्ट्रॉयर खड़ा था। और फिर डिस्ट्रॉयर ने एक पल की भी देरी नहीं की और वो सीधा थॉर से भिड़ गया। लेकिन थॉर ने भी डिस्ट्रॉयर का जवाब उसी की भाषा में दिया। थॉर डिस्ट्रॉयर से लड़ते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे बच गए या कैसे यहाँ पर आ गए, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तुम इस तरह से इन इनोसेंट लोगों को यहाँ पर कैद कर नहीं रख सकते, क्योंकि आज मैं तुम्हारे और इन लोगों के बीच में खड़ा हूँ। फिर वो दोनों लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। खुद ओडिन फोर्स के साथ थॉर भी डिस्ट्रॉयर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, क्योंकि डिस्ट्रॉयर न केवल थॉर के हमले को डिफेंड कर रहा था बल्कि थॉर पर किसी वॉरियर की तरह हमला भी कर रहा था। थॉर कहता है, डिस्ट्रॉयर मेरे फादर ओडिन का सबसे पावरफुल वेपन, किलर ऑफ द गॉड्स, आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें रोक के रहूंगा, और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कौन सा एस्गार्डियन फंसा है, लेकिन आज तुम्हें रुकना होगा। और फिर थॉर डिस्ट्रॉयर को लेकर सीधा उस जगह से दूर आ जाता है और कहता है, डिस्ट्रॉयर अब यहाँ पर किसी तरह से भी ह्यूमन को नुकसान नहीं होगा। जिसपे डिस्ट्रॉयर बोलता है, मैं डिस्ट्रॉयर नहीं हूँ बल्कि तुम डिस्ट्रॉयर हो थॉर, और अब तुम मरोगे। और अब थॉर का शक हकीकत में बदलने लगा था, क्योंकि डिस्ट्रॉयर के अंदर कोई एस्गार्डियन फंसा था और वो जरूर
थॉर से इस बात पर नाराज था क्योंकि थॉर ने रैग्नारॉक की साइकिल को रोकने के लिए पूरे एस्गार्ड को खत्म कर दिया था और फिर तभी डिस्ट्रॉयर थॉर पर अपनी बीम से अटैक कर देता है। खुद थॉर अपनी ओडिन फोर्स के साथ डिस्ट्रॉयर के इस हमले का सामना करने में दिक्कत महसूस कर रहा था। थॉर कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना तो डिस्ट्रॉयर हारेगा और ना ही मैं, इसीलिए मुझे अपने डिफेंस को डाउन करना होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो शायद इससे मैं डिस्ट्रॉयर के हाथों मर भी सकता हूँ, पर मुझे ये रिस्क तो लेना होगा, नहीं तो हो सकता है ये एस्गार्डियन लोग मारे जाएं। और फिर थॉर अपने डिफेंसेस को डाउन करके हवा में उड़ जाता है और अपनी ओडिन फोर्स का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, हो सकता है आज मैं मारा जाऊं, लेकिन मैं मेरे अपनों को इस हाल में कभी नहीं छोड़ सकता। और इतना कहते ही थॉर अपनी ओडिन फोर्स की मदद से वहां मौजूद सभी ह्यूमंस के अंदर से फंसे हुए एस्गार्डियन को बाहर निकालने लगता है। और यहां तक कि डिस्ट्रॉयर में फंसा एस्गार्डियन भी अब उस ओडिन फोर्स की वजह से डिस्ट्रॉयर से अलग हो चुका था। फिर थॉर नीचे आता है और उस एस्गार्डियन से बोलता है, पीछे पलटो और मुझे दिखाओ कि तुम कौन हो जो मुझ पे हमला और इनोसेंट लोगों को कैद करके रखा था। थॉर को लग रहा था कि शायद लोकी है। फिर वो शख्स कहता है कि मैं वो हूँ जिसे तुम अपना दोस्त, अपना भाई और अपना कॉमरेड कहकर बुलाते हो। तब थॉर देखता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बाल्डर था और बाल्डर ही डिस्ट्रॉयर के अंदर कैद था। और गाइज, आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके आगे की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ऑसम है जिससे मैं फुल डिटेल्स में कवर करूँगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।